प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब के सियासत गरमाई हुई है। कभी पंजाब के सीएम भगवत मान तो कभी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस पर बयान दे रहे हैं। दोनों राज्यों की तरफ से प्रदूषण के मुद्दे पर की जा रही बयानबाजी रोज सुर्खियां बन रही हैं। हाल ही में जब पंजाब के सीएम भगवत मान ने बयान दिया कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पंजाब पर दोषारोपण करने की बयाज शहरों में फैले प्रदूषण की मात्रा का अध्ययन करें, पंजाब के किसानों को बदनाम किया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस पूर्व प्रध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सलेजा ने आम पार्टी और बीजेपी पार्टी को इस मुद्दे पर बयानबाजी ना कर हल करने की नसीहत दी है। ये पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है। असली बात ये है कि आखिर में जाकर किसान को दोषी ठहरा देते हैं। हल निकालने की बात होती है, हल निकालते नहीं। और सबसे ज़्यादा राजनीति इस पर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और आप पार्टी। अभी भी आप देख रहे हैं, पहले आप पार्टी क्या कहती थी और अब क्या कह रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, पोल्यूशन पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर और बहुत से जगह, पूरा हमारा एरिया आप देखते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इससे हर एक को, चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है या कोई भी, बहुत दिक्कत आती है। आगे स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको एक जो पूरे ढंग से देखना चाहिए उसे कोई भी ये सरकार देख नहीं रही है, बल्कि इस पर केवल राजनीति, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात और असली मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटने की बात की जाती है। आप देख ही रहे हो कि अगर इस लेवल पे आ गए हैं, लोगों की भी बात कर लो ना। जो लोगों की बात है उस पर आओ, असली मुद्दे जो हैं उन पर आओ। इन चीज़ों से कुछ बनेगा देश का?